समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के यहाँ, जो आज बड़े पैमाने पे यहाँ मीटिंग है और 70 विधानसभाओं से विधानसभा अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर और सभी जो पदाधिकारी यहाँ पर बहुत तादाद के अंदर आए और आज मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर कुछ मंत्री जी ने घोषणा की है और आज इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, अब हम जानकारी लेते हैं। सर, आज आपने बहुत तादाद के अंदर ये मीटिंग बुलाई है और आज क्या घोषणाएँ की हैं आपने और ये जो मीटिंग बुलाई इसका क्या उद्देश्य है? नहीं, बेसिकली उद्देश्य ये है कि कोई भी MLA बनता है या MP बनता है अनुसूचित जाति जनजाति से जी, या मिनिस्टर बनता है, वो एक्चुअली रिजर्वेशन की वजह से बनता है और रिजर्वेशन इसलिए दिया गया ताकि पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके जी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तमाम SC ST लोगों को दिल्ली की सरकार में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो फिर दिल्ली के SC ST मिनिस्टर होने के नाते कौन सी योजनाएं मुझे बनानी चाहिए, उनके विकास के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। एक तो हो गया, जो मेरे दिमाग में आता वो मैं करता हूँ, जो CM साहब बोलते हैं वो मैं करता हूँ जी, तो वो तो हो गया हमारा अपना जो हमारे दिमाग में स्कीम है। यहाँ अपने सारे 70 विधानसभा से कार्यकर्ताओं को, खास कार्यकर्ताओं को बुलाने का मुख्य मकसद ये है कि मैं उनकी भी एडवाइस लूँ, उनके भी इनपुट्स लूँ जी, हो सकता है उनके पास कुछ अच्छे सुझाव हो, वहाँ तक मेरी नज़र ना जा पा रही हो जी। तो उनसे भी मैं सलाह मशवरा करूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से दिल्ली के SC ST के लोगों के लिए काम कर सकें। इसलिए ये मैंने खास लोग पूरे दिल्ली के 70 विधानसभाओं से रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए हैं SC ST समाज से। तो एक तो उनके विचार लेने के लिए बुलाया था, दूसरा जो अभी पिछले लगभग 8.5-9 महीने में मंत्री बनने के बाद मैंने काम किए हैं, उन कामों की उनको जानकारी देने के लिए बुलाया ताकि मैं बता सकूं कि फलां फलां काम मैं कर चुका हूं और फलां फलां काम करने की दिशा में मैं काम कर रहा हूं जी। ठीक है ना जी। जैसे लोगों की डिमांड होती है दिल्ली के अंदर SC ST कमीशन बनना चाहिए, तो हमने SC ST कमीशन का बिल बना के CM साहब को दिखाया, उन्होंने ओके कर दिया। अब वो सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट से उनमें सर्कुलेट करा दिया गया है, इंतज़ार है लॉ डिपार्टमेंट से बैटिंग हो के आने का, जो वेटिंग हो के आना होता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट से, प्लानिंग डिपार्टमेंट से कमेंट्स आने, उसके बाद उसका यहाँ से क्लियर करके फिर हम होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे भारत सरकार के पास, वहाँ से जब क्लियर होके आ जाएगा फिर LG से परमिशन लेके विधानसभा के सत्र बुला के उसमें रखेंगे और वहाँ से वो पास हो जाएगा, तब फिर दिल्ली के अंदर सुलकाश कमीशन का गठन हम लोग कर पाएंगे। तो एक दिशा में कितना काम किया वो बताना था, दूसरा जो हमने एक योजना लागू की है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जी, ये एक योजना स्पेशल ऐसे लोगों के लिए है जो दिल्ली में SC ST लोग रहते हैं, जिनके बच्चों में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, वो बच्चे बहुत कुछ बनना चाहते हैं जी, वो IAS बनना चाहते हैं, IPS डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, लेकिन आजकल कुछ पैटर्न चेंज हो गया है, एग्ज़ाम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो रहे हैं कि जो लोग वो कोचिंग, स्पेशल कोचिंग नहीं ले पा रहे वो बच्चे उसमें नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर बच्चों में प्रतिभाएं हैं लेकिन उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है वो कोचिंग कराने का, तो क्या ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए जी? तो वो बच्चे आगे बढ़ पाएँ उसके लिए दिल्ली की सरकार ने स्कीम बनाई और वो स्कीम अब लागू हो गई है। 17 इंस्टीट्यूट अब तक आ चुके हैं, आने वाले सप्ते के अंदर उसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे और अगले साल के बजट में हमने 5,000 बच्चों के कोचिंग के का इंतज़ाम किया है। तो वो योजना कहाँ तक पहुँची है वो बताना था, लगभग 12 लाख लोगों की रुकी स्कॉलरशिप क्लियर कराई हैं और जिनकी अभी भी कुछ उनके खुद के पेपर कम होने की वजह से रुकी हैं उनको भी चिट्ठियाँ लिखी हैं, SMS किया है, फ़ोन करवाएं कि वो भी अपनी कमजोरियां, चाहे बेशक 2-3 साल पुरानी क्यों ना हो, वो भी अपनी कमजोरियां दूर कर लें ताकि उनको स्कॉलरशिप का उनका लाभ मिल सके। तो इस तरह के बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं जो SST का फंड से चौपाल बनती हैं, गलियां बनती हैं, नालियां बनती हैं, पार्कों का विकास होता है या अम्बेडकर भवन बनते हैं, तो इस तरह के जितने भी डेवलपमेंट के काम SST फंड से होते हैं उसको देख रेख के लिए हम विधानसभा वाइज SST वेलफेयर डेवलपमेंट एडवाइजरी बोर्ड कमेटीज़ बना रहे हैं,
तो उस पर भी सबसे स्टेटस लेना था, कितने लोग बना के लाए, नहीं लेके आए। ये सारा पर्पज इनको इन्वॉल्वमेंट करने का है जी, कि वो इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाएं कि ये फंड कहाँ खर्च होना चाहिए और जहाँ खर्च हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर अभी जैसे बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाया जाता है या जो और कांवड़ सेवा है या अन्य और इस तरीके के प्रोग्राम मनाए जाते हैं, उसमें वो सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार बजट देती है, क्या 14 अप्रैल जो आ रहा है जो बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, जो अप्रैल का महीना पूरे महीने बाबा साहब की जयंती मनाया जाता है, क्या दिल्ली सरकार उस पर कोई कार्रवाई कर रही है? मैं बड़े खुशी के साथ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अब आने वाले समय में 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो भी रजिस्टर्ड संस्थाएं बाबा साहब की जयंती दिल्ली के अंदर मनाएंगी जी, उनको उसी प्रकार उनके टेंट का, लाइट का बिल और माइक वगैरह का खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी, जिस प्रकार छठ के अवसर पर दिल्ली की सरकार ने उठाया है, उसी तरह वाल्मीकि जयंती पर उठाएंगे, जिस तरह कांवड़ सेवा में या छठ के पर्व पर उठाया, या मानसूर कैलाश यात्रा में भी लोगों को पैसे मिलते हैं, तो इस तरह की योजना सरकार बना रही है कि सबके साथ एक तरीके से समान रूप से ट्रीटमेंट होना चाहिए, पक्षपात ना हो, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर केंद्र सरकार ने एक 70% और 30% का रेशो दिया है एजुकेशन के अंदर, तो सर वो 70% गवर्नमेंट देगी, 30% जो है वहाँ के यूनिवर्सिटी देगी, या मतलब किस तरीके से जो एजुकेशन का जो स्तर है केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन गिराने का काम कर रही है? देखिए केंद्रीय सरकार गंभीर नहीं है, अब ये भी नहीं कह सकते कि नई सरकार मिली है उसको टाइम मिलना चाहिए जी। केंद्र की सरकार को पहले ही 4 साल लगभग पूरे हो गए हैं और अभी भी नो डिटेंशन पॉलिसी उन्होंने ख़त्म नहीं की है जी। आम जनता के बारे में केंद्र की सरकार नहीं सोच रही है, जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने सरकारी स्कूलों को फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पैदा करने वाली भट्टी के रूप में तब्दील कर दिया, उस स्थिति से निकालने के लिए केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने भी कुछ नहीं किया, और ये दुख की बात है। हम इस दिशा में पहले ही दिल्ली की विधानसभा में प्रस्ताव पास करके सेंटर के पास भेज चुके हैं कि ये नो डिटेंशन पॉलिसी तुरंत ख़त्म की जाए, और खुद हमारी सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। आप दिल्ली की सरकार के स्कूल जाके देखिए, उसमें केवल बिल्डिंग ही नहीं बनी अच्छी जी, बल्कि वहाँ टीचर्स पे भी लगाम लगाई गई है, टीचर्स को गंभीर किया गया है और बच्चों को, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है, और आज स्थिति सरकार के स्कूलों की वो नहीं है, दिल्ली के सरकार के स्कूलों की, जो अब से 4 साल पहले थी। तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि सुधार होना चाहिए, और तरक्की का हिस्सा केवल चंद लोगों के हिस्से में क्यों आए, तरक्की का हिस्सा देश के सभी लोगों के, दिल्ली के सभी लोगों के हिस्से में आना चाहिए, तभी तरक्की की वैल्यू है। सर जब PhD करते हैं या MPhil करते हैं, उनका जो एक इंक्रीमेंट वगैरह होता था, जो केंद्र सरकार ने जो बजट लाए हैं सर, उस पर अभी प्रोफेसरों ने भी स्ट्राइक किया, स्टूडेंटों ने भी स्ट्राइक किया, क्या प्रोफेसर ये कहते हैं जो बच्चा 7,000 फीस देता है वो 70,000 रुपये कैसे देगा, जो गरीब का बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं। ये सारी स्कीम गरीब के बच्चों को रोकने की तो है जी, आप इतना खर्चीला बना दो एजुकेशन को कि वो जो तरक्की वाली एजुकेशन है, जिसमें लोग तरक्की करते हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसमें गरीब लोग ना आ पाए, तो उसको इतना महंगा कर दो कि वहाँ उनकी एंट्री अपना बंद हो जाएगी। ये तो साजिश है गरीब लोगों को आगे बढ़ने से रोकने की। सर आप अधिवक्ता भी हैं और मंत्री भी हैं, सर अभी मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि भाई मैं 3 दिन के अंदर RSS की ऐसी फोर्स खड़ी कर दूंगा, तो सर उनका क्या मानना है, और कह रहे हैं कि मेरे पास वो हथियार हैं कि वो फोर्स के पास भी नहीं है? ये शर्मनाक है, अगर ऐसी कोई फोर्स बना रहा है तो भारत की सरकार को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, चूँकि किसका कंट्रोल है, अगर वास्तव में ऐसी कोई फोर्स बना ली है और वो अचानक दिल्ली भारत की सरकार का तख्ता पलट करना चाहे, अगर इतनी फोर्स है कि भारत की सरकार की फोर्स से भी ज़्यादा मजबूत है, तो कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं, तो ये तो देश के लिए खतरे वाली बात है, इस पर केंद्र की सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।